नमस्कार, मैं नीरज सिंह। आज का जो ये हमारा कार्यक्रम जनवादी लेखक संघ और इदारा महफिल खुसरन की ओर से हुआ, ये बहुत ही खूबसूरत एक ऐसा कार्यक्रम था जहाँ पर हिंदी और उर्दू के कई शायर और कवियों ने शिरकत की। ये कार्यक्रम, आज का कार्यक्रम इतना खूबसूरत रहा कि क्या बताऊँ। मुख्यतः आज का कार्यक्रम प्रेमचंद की जयंती के अवसर पर रखा गया है। प्रेमचंद हमारे हिंदी साहित्य के, उर्दू साहित्य के ऐसे कथाकार हैं जिन्होंने हिंदी और उर्दू के बीच के अंतर को अपने शब्दों के ताने बाने से बुना है। और आज हिंदी और उर्दू एक ऐसे स्तर पर पहुंच रही है, प्रेमचंद की ऐसी गवायत है, उनका ऐसा योगदान है कि ना जाने हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले कितनी सदियों तक प्रेमचंद को याद किया जाता रहेगा। आज बहुत ही विशिष्ट और प्रसिद्ध लोग यहाँ पर आए, डॉक्टर राम हलाल चौधरी जैसे लोग, कपिल आर्या जी ने इस पूरे कार्यक्रम का की सभापति की, साथ ही इस्माइल परवाज जी जो कि बहुत ही प्रसिद्ध शिक्षाविद हैं, उन्होंने अपने वक्तव्य को सामने रखा। हमारे बीच चार प्रमुख अवार्डियों को भी आज अवार्ड दिया गया इदारा महफिल खुसरन की ओर से, जो हर वर्ष साहित्य और कला जगत में बेहतर काम करने वाले लोगों को हर बार पुरस्कृत करता आ रहा है। मैं एक बात जो मुझे आज यहाँ आकर समझ में आई कि आज ये कार्यक्रम, ये जो संपूर्ण कार्यक्रम था, एक एकता का संदेश था, एक ऐसे एकता का संदेश जहाँ पर दो धर्म, दो कौम और दो भाषाएं एक हो रही हैं। मुझे एक बात याद आ रही है कि नज़र वाले को हिंदू और मुसलमान नज़र आता है, नज़र वाले को हिंदू और मुसलमान नज़र आता है, साहब हम तो अंधे हैं, हमें तो हर शख्स में इंसान नज़र आता है। तो आज के हमारे कार्यक्रम का संदेश भी यही था कि हम सब हर शख्स एक इंसान देख रहे हैं, हर शख्स में जो है हमें एक ऐसा इंसान दिख रहा था जो समाज और देश और भविष्य को आगे लेकर जाने वाला है। तो आइए हम सुनते हैं कि आज के इस कार्यक्रम में क्या क्या हुआ। धन्यवाद। उन्होंने साझा संस्कृति बिंब से हम वर्तमान समस्याओं को सुलझा सकते हैं। प्रेमचंद की भाषा और उनका कथन एक ऐसा कथन है जिस कथन को आधार बनाकर हम एक नई दुनिया बना सकते हैं। नई दुनिया बनाने का मतलब ये है कि जहाँ हम आपस में मिलजुल कर रहे हैं, जिनकी आंखों से आंसू गिर रहे हैं, जिन आंसुओं को अभी तक किसी ने नहीं पोछा, उन आंसुओं को पोछने का तरीका और सलीका हमें प्रेमचंद साहित्य से मिलता है। इसलिए हम प्रेमचंद के साहित्य को पढ़ना चाहते हैं और प्रेमचंद के प्रासंगिकता उस तरह से बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे दिन ढलते जा रहे हैं वैसे वैसे लगता है कि प्रेमचंद की प्रासंगिकता और बढ़ती जा रही है। प्रेमचंद उर्दू और हिंदी के शायर हैं और वो उर्दू हिंदी के एक नींव हैं, और उनकी आज 139वीं यौम पैदाइश को जनवादी लेखक संघ यानी अंजुमन जमहूरी तथा मुसन्नफीन और महफिल खुसरन ने मुश्तरका तौर पर इस प्रोग्राम को अहतमाम किया था और बड़े हुस्न खूबी के साथ बड़े अच्छे ढंग से काफ़ी सामईन और काफ़ी शुरका इसमें शरीक हुए और बहुत ही कामयाबी से ये प्रोग्राम हमकिनार हुआ। हम मुबारकबाद देते हैं तमाम अराकीन का और सारे लोगों का जिन लोगों ने इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने की भरपूर कोशिश की। और चूंकि जो मौजूदा हिंदुस्तान है इसमें मुंशी प्रेमचंद की जो तालीमात है उस तालीम को ही हम लोग अगर उजागर करेंगे तो हमें लगता है कि मुल्क के जो मौजूदा हालात हैं उनका मुकाबला हम कर सकते हैं। आज के अनुष्ठान मुंशी प्रेमचंद के स्मरण करे तार शिक्षा के आगामी दिन भारत गढ़ार काजे व्यवहार करार जन्य हिंदी एवं उर्दू भाषा गजल कविता शायरी जा हुए से समृद्ध करी निजे खूब उपकृत होने प्रोग्राम आो बेशी होक हमारे एक धारणा यहाँ के जन्म हो स्वाधीनता संग्रामे एक भारत गड़े छो आज के एक नतून भारत गड़ार आक सफल एखान थे नवा हुई। आज का कार्यक्रम बहुत सफल रहा और ये कलमकारों के ऊपर था। आज प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद को हम लोग याद करने आए थे तो मैं कलमकार को कलम के जरिए ही समर्पित करती हूँ कि कलमकारों को कम न समझे बिना अधूरी समझे वो ताकत बंदूक और तोपों में वो ताकत कलमकारी की करती है।
वह ताकत है कलमकार की कलम। मुंशी प्रेमचंद के जन्मदिन के अवसर पर ये देश में विभिन्न प्रकार के काम हो रहे हैं, कार्य हो रहे हैं, और जो देश की स्थिति है उस स्थिति के दृष्टिकोण से आज प्रेमचंद को मानना, प्रेमचंद को पढ़ना अति आवश्यक है। प्रेमचंद की जयंती के अवसर पर प्रायः लोग ये भूल जाते हैं कि हमारे देश के बहुत बड़े गुणकार महोदय भी के भी जन्मदिन है। इस हवाले से हम ये कहना चाहेंगे कि प्रेमचंद के दो बड़े उपन्यासों पे जो काम हुआ, फिल्में बनी गबन और गोदान, गबन और गोदान में रफ़ी ने भी गाने गाए थे। मेरा कहना यह है कि प्रेमचंद आज हाशिए पे हैं और सरकारें उनको बहुत ही किनारे रखना चाह रही है, इस वास्ते कि प्रेमचंद जो बात कहना चाहते थे उस बात को लोग आज हॉन्ट कर रहे हैं, क्योंकि जो सत्ता में लोग हैं प्रेमचंद उनको पसंद नहीं है। इसलिए प्रेमचंद को आज अतिथि मनाने की, जानने की, पढ़ने की जरूरत है, किताबों में लगाने की जरूरत है, पोस्टिंग करने की जरूरत है, प्रेमचंद के नाम पर नारे लगाने की जरूरत है, प्रेमचंद नाम पर आंदोलन करने की जरूरत है। आज मुंशी प्रेमचंद जी का जन्मदिन था लोग महफिल में नवाजे के तोहफे 56 साल की उम्र में लोग महफिल में नवाजे के तोहफे एक दिन शहर की भीड़ में शोहरत को जमाए लिखे लोग महफिल में नवाजे के तोहफे एक दिन शहर की भीड़ में शोहरत को जमाए चाहे वह हिंदू हो या मुस्लिम सभी के दिल को छू रहा फूल की तरह ये दिल खिलता रहेगा हरदम अपने महबूब को धड़कन में बसाए ब्रिटिश हुकूमत ने उसकी सारी गोपियां सीज कर दी। किरदार को नीलाम करोगी ना करे, अपने किरदार को नीलाम करोगी ना करे, खुद को मक्कार सियासत से बचाए के नाम से अपने किरदार को नीलाम करोगी ना करे, खुद को मक्कार सियासत से बचाए के महफिल खुश रंग दोनों मिल के जो उन्होंने किया है या अभी के दौर में जो हालात चल रहे हैं एक यार ये बहुत अच्छा चीज़ है और इसी तरह का ये प्रोग्राम करते रहे। हम लोगों को उम्मीद है कि इस तरह से भाईचारा बढ़ेगा, अपने भाईचारे की बढ़ेगी और उसका असर हम लोगों को जितने भी आवाम आते हैं देखने के लिए सुनने के लिए उनको पर भी बढ़ेगा। शुक्रिया। आज ये जो प्रोग्राम चल रहा है मुंशी प्रेमचंद की याद, इसकी अहमियत कई जगहों एक तो ये कि वो उर्दू के बेहतरीन और अव्वलीन कलमकारों में उनका शुमार होता आता है। ये कि हमारी तहजीब का ये भी है कि अपने बुजुर्गों को हम याद करें, उनको इज्जत पेश करें। तो आज 1939वां जन्मदिन उनका था और ये लोग जो हैं इदारा महफिल खुश रंग और अंजुमन तरक्की पसंद जमहूरियत जो जमहूरियत पसंद मुसन्निफीन दोनों ने इस तरह की तौर पर प्रोग्राम का इनेकाद किया है। हम उनको याद कर रहे हैं और उनकी याद में कई लोगों को आवाज़ से भी नवाजा गया है और मुशायरे का भी और कवि सम्मेलन का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम अफजल खान ने रखा है वो उससे आपके बारे में नहीं कहता। आज का जो प्रोग्राम अंजुमन जमहूरियत पसंद मुसन्निफीन और इदारा है महफिल खुश रंग की तरफ से हिंदू मुस्लिम एकता की तरफ किया गया है। ये प्रोग्राम वाकई बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है, इसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। आज के इस दौर में जहाँ पे हम हिंदू और मुसलमानों में तफरीक बढ़ रही है, नफरत का माहौल बना हुआ है, इस नफरत भरे माहौल में अगर हम लोगों को एक जाल लाने की कोशिश की जा रही है, समझने की कोशिश की जा रही है, गंगा जमुनी तहजीब को ज़िंदा करने की कोशिश की जा रही है, तो मेरे लिहाज से ये प्रोग्राम बहुत ही अच्छा है। मैं तमाम मुंतजमीन को मुबारकबाद देना चाहूँगा और उनसे दरख्वास्त करूँगा कि वो ये प्रोग्राम
हमेशा करे। अफजल खान हमारे साथ यहाँ हमारे दरमियान है, मैं उनको मुबारकबाद देना चाहूँगा। उन्होंने बहुत ही ज़्यादा मेहनत करी है इस प्रोग्राम को सजाने संवारने में, ऑर्गेनाइज करने में। ये और इनके तमाम साथी जोपा जो हैं मुनाफिक जो इनके साथ हैं साथी, इन तमाम साथियों को प्रोग्राम आज का ये प्रोग्राम बेहद ही कामयाब रहा। मैं इसके लिए मोहम्मद अज्जाद खान को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। वैसे मैं भी हमेशा सजाते रहते हैं, मैं उनके हौसला देता हूँ और इस टाइम का दौरा हमेशा चलता है, यही मेरा दुआ है, खुदा का दुआ है। और ये आज का ये मुंशी प्रेमचंद बहुत ही कामयाब रहा। मेरे ख्याल से मुंशी प्रेमचंद हर पूरे हिंदुस्तान में मनाया जा रहा और हम लोग भी मना रहे हैं, जिसमें उर्दू हिंदी दोनों के शोरा अदबा हजरात यहाँ मौजूद है। मैं तमाम शोरा अदबा को मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज की मैटिंग हमेशा की तरह कामयाब रही। मेरा नाम है डॉक्टर शाहिद छोड़े, मैं उर्दू हिंदी दोनों में। सुनिएगा, अगर इस महफिल ने सबका शुक्र अदा किया और उर्दू का शुक्र अदा नहीं किया तो बहुत बेइंसाफी हो जाएगी। कसम मल्लाह की मुझ पर तेरा एहसान है उर्दू, कसम मल्लाह की मुझ पर तेरा एहसान है उर्दू, तो मेरी जान है उर्दू, तो मेरी शान है उर्दू, तो मेरी जान है उर्दू, तो मेरी शान है उर्दू। न तू होती तो ऐसी अजनबी होती इंसान न तू होती तो ऐसी अजनबी होती ज़माने में। मेरी पहचान है उर्दू, मेरी पहचान है उर्दू, मेरी पहचान है उर्दू, मेरी पहचान है उर्दू। कसम मुझ पर तेरा एहसान है उर्दू। प्लीज subscribe the channel and press the bell. Thank you.